आज ही के दिन पुलवामा में हुए आतंकी हमले को एक साल हो चुका है। घात लगाकर किए गए इस हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, जिनकी शहादत को लेकर आज देश भर के कोने कोने से उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस क्रम में धनबाद में भी स्कूली बच्चों ने शहीद जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। किस तरह के जो है श्रद्धांजलि सभा दी जा रही है? नेशनल कॉन्वेंट स्कूल से हम लोग आए हैं 14 तारीख को। आज 14 फरवरी जो पिछले साल पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें अपने 44 जवान शहीद हुए थे, उसके लिए हम लोग आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस जगह पे आए हैं। सारे बच्चे को लेकर के आए हैं और आज हम लोग ब्लैक डे काला दिवस मना रहे हैं, इसलिए अपने सारे बच्चों को लेकर के यहाँ पे आए हैं। और हम लोग सबसे आग्रह करेंगे कि आज के दिन पूरे देश में काला दिवस मनाया जाए। बता दें कि यहाँ रणधीर वर्मा चौक पर स्कूली बच्चों ने श्रद्धांजलि दी। वहीं श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने कहा कि आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, साथ ही ऐसी घटना दोबारा ना हो इसको लेकर केंद्र सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।